हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन माथुर कामा गार्डन में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको अपने टेरेस गार्डन में लगे कुछ क्रोटन प्लांट्स के बारे में बताऊंगा, वो कैसे ग्रो और कैसे प्रोपोगेट किया जाता है। मेरे पास क्रोटन्स की तो बहुत वैरायटी आती है, बट मेरे पास 5-6 वैरायटीज़ तो मेरे पास भी हैं, अलग अलग कलर्स की। बहुत कलरफुल क्रोटन्स होते हैं, बहुत बहुत वैरायटीज आती हैं इसकी। और अभी मेरे पास इस वक्त कम से कम तो 5-6 टाइप के क्रोटन्स हैं। आजकल सीज़न इतना अच्छा है कि इसको प्रोपोगेट करना बहुत आसान होता है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। क्रोटन्स की इतनी अच्छी वैरायटी होती है, इसमें कई तरह के क्रोटन्स हैं। इनको कहीं आप धूप में भी रख सकते हैं, छाँव में भी रख सकते हैं। कुछ ये जो क्रोटन है, इसको आप धूप में रखते हैं तो इस काफ़ी पत्ते इसके पीले पीले हो जाते हैं। अदरवाइज अगर छाँव में इसको रखेंगे तो ये इस तरह का होता है, इसमें ग्रीनिश टिंज रहता है, ग्रीन के ऊपर येलो डॉट्स हैं। इसी प्लांट को अगर धूप में रख देंगे तो वो इस तरह से पीला हो जाता है। आजकल तो मानसून बरसातें हो रही हैं, थोड़ा इसका हरापन आ गया, नहीं तो ये बिल्कुल येलो होता है, प्रैक्टिकली येलो हो जाता है। इसी तरीके से इन सब प्लांट्स के कलर भी थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। ये देखिए, ये जो क्रोटन का मेरा प्लांट है ये करीब 8-10 साल पुराना प्लांट है। इसी से बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स बनाए थे, वो मेरे नीचे फ्रंट गार्डन में लगे हुए हैं। टेरेस गार्डन पे भी मेरे ये मैं लाया हूँ, जो कि धूप और पानी से रह सकते हैं, धूप और छाँव में दोनों जगह लग सकते हैं। आइए देखिए आज इसको किस तरीके से प्रोपोगेट किया जा सकता है। एक मदर प्लांट बोलिए, कुछ भी बोलिए, इसका पुराना सबसे प्लांट है। उसकी एक 6 इंच या 8 इंच लंबी डंडी काट लीजिए, स्टेम काट लीजिए, और स्टेम के आसपास के जितने भी रूट्स हैं उनको जितने भी लीव्स हैं उनको तोड़ दीजिए, जिससे कि उस स्टेम को ठीक से पानी और न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। उसको छोटे से पॉट में अभी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उसको इसको लगा दिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी, अभी हालांकि अभी तो मिट्टी गीली ही है इसमें, और थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल दीजिए। और इसको अब इसको लगाने के बाद वेट करिए, करीब 15-20 दिन या महीने भर में इसमें रूट्स डेवलप होती हैं। आप एकदम से इसमें रूट्स नहीं डेवलप, थोड़ा हो सकता है कि इसका आजकल क्योंकि सीज़न इतना अच्छा है, इसके लीव्स झड़े नहीं, मगर गर्मियों में सारी इसके लीव्स भी हल्के हल्के झड़ जाती हैं, बट प्लांट सर्वाइव कर जाता है। तो इसको रेगुलरली पानी डालते रहिए, इसको मॉनिटर करते रहिए, तो ये बहुत ही कुछ दिन शेडी इसको शुरू में कुछ दिन क्वारंटाइन कर दीजिए शेडी एरिया में, जिससे कि एकदम से धूप लग के ख़त्म ना हो जाए। और अगर थोड़ा शेडी एरिया में और पेड़ की छाँव में किसी और प्लांट की नीचे रख देंगे उसको, तो इसका ये सरवाइव कर जाएगा। इसको इसमें रूट्स डेवलप होते होते करीब महीना भर लग जाता है, बट इट इज़ अ वेरी स्टर्डी प्लांट, तो इसमें अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होती। इसको बरसातों के दिनों में थोड़ा सा वाटरिंग की इसमें जरूर होती है, ज़्यादा वाटर पड़ जाएगा तो इसमें इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी खराब ढलकने लगती हैं थोड़ी सी। ये देखिए ये वाला प्लांट जैसे है मेरा, थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया बरसात की वजह से, तो इसकी पत्तियाँ जो हैं थोड़ी गिर रही हैं, बट वो नॉर्मली अगर धूप वूप निकल जाती है तो वापस अपनी जगह ले लेती हैं। ये देखिए कितना सुंदर प्लांट है, बहुत वेरीड कलर्स ऑफ लीव्स हैं इसमें, एक ही उसमें बहुत तरीके कलर्स हैं। और ये एक वैरायटी है जिसमें 3 तरह की वैरायटी है कटे हुए पत्तों की, एक ये है देखिए, सिमिलरली एक इसी तरह का ये है वेरीगेटेड, और एक ये है, ये इट्स अ डिफरेंट। और बल्कि मार्केट में जाएंगे, अब देखने जाएंगे, नर्सरीज में जाएंगे तो बहुत और वैरायटीज भी बहुत हैं, बट मेरे पास अभी हाल फिलहाल इतनी ही हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये अभी क्योंकि ये छाँव में पड़ा हुआ था, इसमें ग्रीनिश टिंज ज़्यादा है। और ये जो प्लांट है ये वाला, इसको धूप में था ये, तो इसमें इट इज़ द सेम वैरायटी, बट क्योंकि धूप में था ये तो इसमें येलो टिंज ज़्यादा है। इसको देखिए इन्होंने इस पेड़ के छाँव में इसको थोड़ा सा रख दिया है,
तो ये 15-20 दिन में इसके हल्के हल्के इसमें रूट्स डेवलप होने लगेंगी। और इसके अभी क्योंकि मौसम इतना अच्छा था, इसके लीव्स शेड भी नहीं करेंगी। बहुत ये मेरा क्रोटन का कलेक्शन है जिसको मैंने भी आपको दिखाया, होप आपको पसंद आया होगा। इसको प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।